नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सब्जियों से भरपूर चटपटी मैगी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, और तेल को गर्म होने देंगे। पहले यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो डाल देंगे एक छोटे साइज की प्याज, इसको हमने बारीक बारीक काटा है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूननी है हमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है सिर्फ। यहाँ हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है तो अब डाल देंगे हम गाजर। हमने यहाँ आधी गाजर को बारीक काटा है, आधी शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया, दोनों को हम डाल देंगे एक साथ और इनको भून लेंगे। हमें इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। यहाँ हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी भुन गई है तो हम डाल देंगे थोड़ी सी मटर, जिसको हमने पहले उबाल लिया था इसलिए हमने पहले नहीं डाला। अगर आपकी उबली हुई मटर नहीं है तो आप गाजर शिमला मिर्च के साथ डाल दें, जिससे कि उनके साथ सॉफ्ट हो जाए। मटर को भी एक मिनट के लिए भून लेंगे हम। अब हम इसमें एक छोटे साइज का टमाटर डाल दें। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं कलर के लिए, आधा चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब इन सबको भून लेंगे हम। यह सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई तो डाल देंगे हम डेढ़ गिलास पानी। हम दो मैगी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें डेढ़ गिलास पानी डाल रहे हैं। थोड़ा मिला देंगे, पानी जल्दी उबल जाए उसके लिए हम इसे ढक देते हैं, थोड़ी सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी पानी में। यहाँ हम इसको पानी को देख लेते हैं, पानी अच्छे से उबल रहा है तो हम डाल देंगे पहले मसाला इसमें। और इसको पहले मिक्स कर देंगे मसाले को अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी मैगी। अब हम इसे पकने देंगे।
यहाँ हमने इसको ढक दिया था जिससे कि सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप पानी वाली ग्रेवी मैगी खाना चाहते हैं तो आप इस समय बंद कर सकते हैं। अगर आप सूखी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और पका लें। यह हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल। अब गैस कर देंगे बंद हम। यह हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है।